नमस्कार, आपको बताते हैं जनपद बाराबंकी से इसकी बड़ी खबर। भारत समाचार न्यूज चैनल के दफ्तरों पर ईटी आईटी के छापेमारी, विरोध में पत्रकारों ने किया जोरदार प्रदर्शन। साथ ही साथ आपको बताते हैं बाराबंकी जिले का जिलाधिकारी कार्यालय, उसमें गगन भेदी नारे से गूंज रहा, सैकड़ों संख्या में जिले भर से आए आक्रोशित पत्रकारों ने ब्रिजेश भैया जिंदाबाद, वीरेंद्र भैया जिंदाबाद, भारत समाचार जिंदाबाद, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करो, छापेमारी बंद करो, जैसे ही नारे लगाते हुए उपजा सहित भारी संख्या में पत्रकार आक्रोशित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तो अपर जिलाधिकारी संदीप गुप्ता ने उपस्थित पत्रकारों से वार्ता की और ज्ञापन लिया। साथ ही साथ उसने कहा महिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने का पत्रकारों को आश्वासन दिया। और साथ ही साथ आपको बताते चले वरिष्ठ पत्रकार दीपक निर्भय ने कहा कि पत्रकार का उत्पीड़न बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर भारी संख्या में आए हुए बाराबंकी से विभिन्न क्षेत्रों के इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकार विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। आइए देखते हैं डीएस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट में। फैल जा थोड़ा यार, पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 जय एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आईटी की टीम ने दफ्तर पे छापेमारी की, छापेमारी के बाद में कहीं कुछ मिला नहीं। तो हमारी ये मांग है कि एक तो पत्रकार सुरक्षा कानून में जाए, दूसरा जो इस तरह की छापेमारी उसको रोका जा सकता। अगर वहाँ कुछ नहीं मिला है तो जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने छापेमारी की थी और साथ ही जिन्होंने ये आदेश दिया था छापेमारी का, दोनों के खिलाफ सरकार है जो है हमारी राष्ट्रपति बोले, जिससे कि दोबारा पत्रकारों से लोग पर इस तरह के हमले ना हो। ज्ञापन सौंपा पत्रकारों ने आपको? भारत समाचार न्यूज की जी मेरे सौंपा है दीपक गुप्ता जी ने, वहाँ मैं राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है। हाँ, इसमें जो उन्होंने कहा इसको हम उनके बाद समापन कर थोड़ा दूर चलो, सारे लोग आ जाएं दूर से, थोड़ा दूर से, थोड़ा दूर चलो, सारे लोग आ जाएं, कैमरे में आ रहे सब लोग, सब लोग आ जाएंगे। आज ज्ञापन सौंपा गया है आपके द्वारा, क्या मांग है? अभी कुछ दिन पहले जैसा हम लोग जानते हैं कि आईडी और ईटी की टीमों ने जो है भारत समाचार न्यूज़ चैनल के दफ्तर पर भी छापेमारी की, और साथ ही जो एडिटर इन चीफ हैं हमारे परम श्रद्धेय ब्रिजेश मिश्रा जी के घर पर और परम आदरणीय वीरेंद्र जी के घर पर भी छापेमारी की गई। साथ ही 40 घंटे की छापेमारी के बाद में कहीं भी कुछ आईडी को और ईटी टीम को नहीं मिला।
साथ ही सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारों के घरों पर यह छापेमारी की जाती है, ये किसके आदेश पर छापेमारी की गई है और 40 घंटे के बाद भी अगर कुछ नहीं मिला है तो उन दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, साथ ही जिसके आदेश पर वो छापेमारी की गई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यही मांग को लेकर हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और साथ में ये उम्मीद भी जताई है कि दोबारा ये सरकारें इस तरह की ऊंची हरकतें ना करें और साथ ही इस तरह की जो पत्रकारों का उत्पीड़न करना है, पत्रकारों के खिलाफ छापेमारी है, इसको तत्काल बंद होना चाहिए, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए। आज एडीएम अपर जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, साथ ही ये मांग की गई ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो वरना एक बहुत बड़ा जन आंदोलन पत्रकार करने के लिए बाध्य होंगे।